प्रकार या भेद, आप खुद बोलो कौन सा है। पुरुष वाचक हो गया था क्या? हो गया था पुरुष वाचक? कहाँ तक हो गया था? लिखवा दिया था, समझाया था, लिखवाया नहीं है। चलो इनको लिखो, पुरुषवाचक सर्वनाम, लिखते जाओ। वे शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला, सुनने वाला, सुनने वाला और किसी अन्य के लिए प्रयुक्त प्रयुक्त होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। पहला उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। लिख लिया, ऊपर से मिटा दूं? पहला लिखो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, वे शब्द जिनका प्रयोग, साथ साथ लिखते जाइए, वे शब्द जिनका प्रयोग वक्ता स्वयं के लिए प्रयोग में लेता है, स्वयं के लिए प्रयोग में लेता है, जैसे मैं, मेरा, मेरी, मुझे, तो, हम, हमारा, हमारी, हमें आदि। दूसरा है
मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। समझा दिया था आपको, समझ में आ रहा है क्या? वे शब्द जिनका प्रयोग श्रोता यानी सुनने वाला, श्रोता के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं, जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुमको, तुझे आदि। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम वे शब्द जो वक्ता और श्रोता, श्रोता का मतलब सुनने वाला होता है, ठीक है, वक्ता और श्रोता दोनों के लिए, प्रयुक्त नहीं होकर किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होते हैं। किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे वे उन्हें, उसे, वो, आदि है। हाँ सही है, ये भी अभी तो वाक्य में प्रयुक्त भी तो करवाएंगे। सही बोल रहा है वो, अभी इसका हम वाक्य में प्रयोग भी करेंगे ना, अभी तो अपन सॉर्ट कर रहे हैं, इसका केवल एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखो, जहाँ बोलने वाला जो व्यक्ति है, जिन शब्दों का प्रयोग वो खुद के लिए भी नहीं करे और सुनने वाले के लिए भी नहीं करे, उसको क्या कहेंगे? अन्य। उसको क्या कहेंगे? अन्य। तो देखो, इसको आप यहाँ समझो, ये रफ है, ठीक है, इसके कितने हो गए? तीन भाग। सर्वनाम के कितने भाग? तीन, उत्तम और मध्यम और अन्य। किसके हैं ये? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तीन। तो सबसे पहले देखो हमने क्या लिखा, वे शब्द जिनका प्रयोग वक्ता किसके लिए करे? खुद के लिए करे, स्वयं यानी खुद के लिए करता है, उसको क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। मैं, मेरा, मेरी, मुझे, हम, हमारा, जैसे
मेरी पुस्तक। किसकी पुस्तक? मेरी। तो यहाँ पर हम वो पुस्तक किसकी है? मेरी, यानी अपनी खुद की है। तो किस में आएगा? उत्तम पुरुष में। फिर अगर ये कहें कि मध्यम में, यानी श्रोता, श्रोता के लिए, श्रोता यानी सुनने वाला, श्रोता का मतलब है सुनने वाला। हम किसी सामने वाला जो पर्सन बैठा हुआ है उस, यानी दूसरे जो व्यक्ति हैं उनके लिए हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जैसे तुम इधर आना, तुम इधर आना, यानी सामने उपस्थित है, हम उससे बात कर रहे हैं, तो तुम इधर आना, तो ये जो तुम है वो क्या है? मध्यम पुरुष। ठीक है। फूल तुम्हें भेजा है खत से। ठीक है। तो तुम्हें क्या, किसको भेज रहे हैं हम? किसी दूसरे को। ठीक है। किसको भेज रहे हैं? दूसरे को। तो ये जितने भी हैं वो किस में आ जाएंगे? मध्यम में। फिर देखो अन्य, वे शब्द जो वक्ता और श्रोता दोनों के लिए ही प्रयुक्त नहीं होते, किसी अन्य के लिए प्रयुक्त होते हैं, वो क्या होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे वे, उन्हें, उसे, वो, वह। ठीक है। जैसे हम कहें वे होते तो आज यह नहीं होता, वो होता तो आज मैं बहुत खुश होता। ठीक है। उसने कहा था। अब बताओ, मैंने ये उसने जो शब्द है खुद के लिए प्रयुक्त किया है क्या? दूसरे के लिए किया है, अन्य के लिए। किसके लिए प्रयुक्त किया है? अन्य के लिए। तो इसको लिख लिया, मिटा दें। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं अपन, आप खुद बताएंगे। देखो मैं पहला उदाहरण ले रही हूं, तुम्हारी सफलता निश्चित है। मैं इसमें उन्हीं शब्दों के बारे में पूछूंगी जिनके नीचे क्या है? अंडरलाइन। ठीक है। दूसरा उदाहरण मैंने दिया, तुम आ ही जाओ। फिर मैंने लिखा, आज वो होते तो कितना अच्छा होता। ठीक है। मैं उसी में बताओगी जिसमें क्या है? अंडरलाइन। ठीक। वैसे चाहे किसी में भी हो, आपको केवल उन्हीं शब्दों में देखना है जिसमें क्या है? अंडरलाइन। हम तो जाते अपने गांव, सबको राम राम राम। हम तो देखो यहाँ पर क्या है? हम। यहाँ क्या है? हम। लिखते भी जाओ इनको। ठीक है। फिर मैं लिख रही हूँ, उन्हें क्या करना है, उन्हें क्या करना है। ठीक है। अब आप चले जाओ। अब आप चले जाओ। अब आप मुझे बताओ, ये तुम्हारी है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? मध्यम पुरुष। कौन सा है? मध्यम पुरुष। शाबाश। कौन सा है इसमें? मध्यम
पुरुष, समझ जाओगे ना। आप लिखना चाहो तो स्पेस देकर एम के ऐसे लगा दो और ऐसे लगा दो तो समझ जाओगे क्या है, मध्यम है पुरुष। फिर देखो तुम क्या है, मध्यम पुरुष। क्या है, मध्यम पुरुष। वो शाबाश, क्या है, अन्य पुरुष। फिर हम उत्तम, क्या है, उत्तम पुरुष। हम क्या है, उत्तम। उन्हें क्या करना है, शाबाश, क्या है, अन्य। ठीक है, अब आप चले जाओ, शाबाश, क्या है। यहाँ मैंने आप खुद के लिए भी तो आ सकता है ना, दूसरे के लिए भी आ सकता है। तो देखो यहाँ ये जो आप शब्द है ना, वो आप समझ गए क्या है, मध्यम, यानी दूसरे के लिए कह रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, कई बार जब हम किसी व्यक्ति को सम्मान देते हैं तो उसको हम किस शब्द से बोलते हैं, आप शब्द से। हालांकि देखो वो मध्यम पुरुष है, लेकिन फिर भी हम उसको सम्मान देने के लिए आप बोलते हैं तो वो मध्यम में ही आएगा। किस में आएगा, अगर ये कहें उत्तम पुरुष में, किस में, आप शब्द को किस में, वो वाक्य के ऊपर डिपेंड करेगा। वाक्य बोलो, अब आप पढ़ो। तो एक मिनट, अब देखो ये अन्य में तो जा ही नहीं सकता, हो सकता है ये डिलीट हुआ हो, देखो हो नहीं सकता, ये मिसप्रिंट हुई है इसमें। अब आप पढ़ो, ये मध्यम ही होगा। हाँ, उसमें रिट लग सकती थी अगर आप चाहते तो, कोर्ट जाने की हिम्मत थी। वैसे भी आप ऐसे ही लग रहे हो कि हाँ। तो देखो ये क्या है, मध्यम, क्या है ये, मध्यम। तो आप छांट सकते हो ना, छांट सकते हो। फिर देखो मैंने एक वाक्य और लिखा, तेरा, ठीक है। अब ये कह रहा है आगे, फूल नहीं मेरा, अब पता नहीं क्या है इसका। तो देखो यहाँ पर दो आ गए, इसमें छाटो, ध्यान दे, तुम्हें, तुम्हें क्या है, शाबाश, क्या है, मध्यम पुरुष। और मेरा बताओ, उत्तम, मेरा क्या है, उत्तम, मेरा यानी मैं, तो क्या हो गया, उत्तम। और दूसरे के लिए प्रयुक्त हुआ है तो मध्यम, ठीक। अब आगे देखो अगला जो सर्वनाम, मिटा दूं, एक होता है निश्चयवाचक और एक होता है अनिश्चयवाचक। तो पहले कोई सा भी इसका क्रम नहीं है भैया। दूसरा देखो प्रश्नवाचक, कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे शब्द जो किसी प्रश्न का बोध कराते हैं, वे शब्द जो किसी प्रश्न का बोध कराते हैं, जैसे कौन, क्या, कैसे, कहाँ, कितना, क्यों, कैसे, कब, ठीक है, कब आदि। जैसे आप
कब आए? आप कब आए? दूसरा देखो, कौन आया है? कौन आया है? कौन आया है? कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? कितना पानी है? क्यों बातें कर रहे हो? अब सुनो, जहाँ जहाँ भी आपको ऐसे पूछे ना कि ये जो प्रश्न है वो हमसे सवाल पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? सवाल, यानी हमको क्या देना है? उसका जवाब देना है। अगर कोई भी वाक्य है, कोई भी क्या है, वाक्य, उस वाक्य का अगर हमें ये लगता है कि ये जवाब मांग रहा है तो कौन सा होगा भैया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। कैसे होगा? देखो, मैंने आपसे कहा आप कब आए, यानी मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ? जवाब पूछ रही हूँ। फिर आप बताएंगे कि अभी या फिर कल या परसों या अभी अभी आके बैठा हूँ या 2 घंटे पूर्व आया हूँ, ठीक है। कौन आया है पता नहीं है, पूछ रहे हैं, उसका आप जवाब देंगे कि महेश आया है। कौन आया है? महेश। फिर कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? तो हर वाक्य में कौन, कहाँ, क्या, कैसे, यानी जहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पर कौन सा सर्वनाम होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। समझ में आ गया? अगर मैं ये कहूँ कि कोई क्या, हाँ, जहाँ पर, देखो इसमें मैंने क्या कहा कि जहाँ हम क्या पूछें? प्रश्न पूछें, और उस वाक्य में हमें उस प्रश्न का क्या देना हो? जवाब देना हो, ठीक है। वो सब किस में है? प्रश्नवाचक किस में है? अब आप रास्ते जाते जाते ये मत पूछ लेना किसी से कि तेरा नाम क्या है, ठीक है, वरना वो 2-4 लपेड़े रख के बता देगी कि क्या नाम है, ठीक। तो देखो, जहाँ हम क्या पूछें? प्रश्न, क्योंकि आप तो होश में ही नहीं रहोगे, मैं तो प्रश्नवाचक सर्वनाम पढ़ के आया हूँ और मुझे तो आज क्या पूछने, केवल प्रश्न ही प्रश्न पूछने हैं। तो बच्चों से पूछ लेना, मम्मी से पूछ लेना, पापा से पूछ लेना, भैया से पूछ लेना, अगर वो शाम को क्या खाए, खाना, तो आप पूछ लेना क्या खा रहे हो, इसका मतलब क्या खा रहे हो, वो खुद जवाब देंगे खाना खा रहे हैं या फिर और कुछ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या पूछा? प्रश्न पूछा। क्या पूछा? प्रश्न। प्रश्न पूछा तो कौन सा सर्वनाम? प्रश्नवाचक सर्व। क्लियर? क्लियर हो गया क्या? आगे चले, एक होता है निश्चयवाचक और एक होता है अनिश्चयवाचक। तो आप ये बताओ मुझे कि जो निश्चयवाचक सर्वनाम होता है उसमें क्या होता है? निश्चित होते हैं। क्या होते हैं? निश्चित। समझो इसको, वैसे समझा भी दिया था, कुछ, कोई और किसी, बस ये 3 ही शब्द होते हैं किसमें? अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक, ठीक है, किसमें? अनिश्चयवाचक में। जैसे कोई आ रहा है, कोई, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कौन है, संदिग्ध स्थिति होती है ना, संदिग्ध यानी डाउटफुल। कैसी स्थिति? डाउटफुल स्थिति होती है, वहाँ पर या तो होगा कुछ या क्या होगा? कोई, या होगा आज किसी ने मेरी पुस्तक चुरा ली, आज किसी ने मेरी पुस्तक, अगर आपको पता होता तो आप सीधा बोलते कि रमेश ने मेरी पुस्तक चुरा ली, लेकिन किसी ने, यानी क्लियर नहीं है कि वो पुस्तक किसने
चुराई है। तो किसने चुरा ली? किसी ने। तो यानी अनिश्चित है, निश्चित ठीक है। फिर देखो धीरे धीरे बोल, कोई सुनना ले, सुनना ले, कोई सुनना ले। कोई का मतलब है कोई भी सुन सकता है, निश्चित नहीं है कि मम्मी पापा ही सुनेंगे, कोई भी, ठीक है ना। तो देखो ये क्या है, अनिश्चित, कोई भी सुन सकता है, दीवारों के भी कान होते हैं, है ना, सतर्क वो तो आप, ठीक। तो यहाँ पर देखो, अब इस पूरे वाक्य में अगर मैं ये कहूँ कि सर्वनाम छांटो, तो बताओ कौन सा है पूरे वाक्य में? और कोई है क्या? नहीं है ना कोई। फिर ये कोई है और कैसा है? अनिश्चित वाचक सर्वनाम। समझ में आ गया? फिर देखो कुछ ना कुछ तो, ठीक है, तो कुछ ना कुछ यानी क्लियर नहीं है, कुछ ना कुछ शैतानियां आपने की हैं, तो कुछ ना कुछ इसका मतलब क्या है? अनिश्चित। आ गया समझ में? क्या है? अनिश्चित। देखो मेरे पास में ये मैंने आपको दिखाया एक बार, और दिखाने के बाद में इसको मैंने तुरंत छुपा लिया और आपने स्पष्ट तरीके से नहीं देखा। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है, तो आपसे मैंने पूछा क्या देखा, तो आपने कहा कि कुछ ना कुछ दिखाई दिया पर क्लियर नहीं है। फिर मैंने दोबारा से दिखाई दे दी कि देखो देखो देखो, अब आपने ध्यान से देखा तो क्या है ये? अब ये क्या हो गया? निश्चयवाचक। क्या हो गया? यानी निश्चित हो गया कि ये क्या है? डस्टर है, ठीक है। और कौन सा शब्द प्रयुक्त किया हमने निश्चयवाचक के लिए? ये, तो ये शब्द क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम। ये है, इसे, इसी का, ठीक है। तो लिख लो, अब लिखो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। स्थिति निश्चित नहीं होती, जैसे कोई कुछ उदाहरण देखो, कोई गा रहा है, उतार लिया। अब यहां पर सबके सब जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, आप खुद ही बताओ क्या क्या है? कोई, किसे,
ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अगर अभी हाल ही में आपने नीचे से किसी की आवाज़ सुनाई दी और कोई कुछ गुनगुना रहा है, तो आपने ये कहा कि कोई गा रहा है। अब क्या गा रहा है, कौन गा रहा है, ये कोई क्लियर नहीं है। आगे देखो, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इसके बाद में क्या आ जाएगा? निश्चयवाचक। निश्चित होती है, मिटा दूं? जैसे बताओ, देखो ये पेन गिर गया, ये पेन गिर गया, तो देखो पेन की स्थिति निश्चित हो गई कि कौन सा पेन, ये। ठीक है, संकेत कर दिया इसकी तरफ कि ये पेन गिर गया, ये उदाहरण है। इसे चले जाने दो, इसे चले जाने दो, यहीं बैठो। यहां आओ, इसको भेजो, इसको भेजो। अब ध्यान दें, अगला कौन सा है बताओ? संबंध वाचक सर्वनाम, जहां वाक्य में एक शब्द का दूसरे शब्द से संबंध होता है, संबंध होता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे
जैसा वैसा जहां तहां जो सो जितना उतना जिसकी उसकी जिसकी उसकी। इनके उदाहरण देख लो, जैसा बोएगा जैसा बोएगा वैसा काटेगा। तो आपस में संबंध किस किस का हो गया? जैसा और वैसा। जहां तहां फूल बिखरे हैं, जहां तहां फूल बिखरे हैं, इसका मतलब हर कहीं क्या बिखरे हैं? फूल। जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। फिर देखो, जितना कर्म करोगे उतना फल पाओगे या मिलेगा, ठीक है। जिसकी लाठी हाँ भैया, इसमें देखो क्या आ गया जो और क्या आ गया सो, ठीक है। इसमें क्या आ गया जितना और इसमें क्या आ गया जिसकी और उसकी, जिसकी और उसकी। यानी इसमें आपस में वाक्य में एक दूसरे का क्या है? संबंध है। क्या है? संबंध। अगर ये शब्द प्रयुक्त हो रहा है तो इसके साथ में सो लगा सकते हो क्या? जिसकी लाठी सो भैंस, समझ गए आप? यानी आपस में संबंध होना चाहिए। जिसके साथ जो प्रयुक्त करते आए हम, अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ना, जो पूर्व में प्रयुक्त करते आए हैं उसी का क्या रहेगा? प्रयोग रहेगा। आगे देखो कौन सा है, निजवाचक। मिटा दूं? लिख लो, लिख लो, आराम से लिख लो। इधर लिख दूं क्या? निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इसमें आप लिखें वे शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला को क्या कहते हैं? वक्ता। स्वयं के लिए यानी खुद के लिए, स्वयं के लिए यानी खुद के लिए, प्रयुक्त करता है। प्रयुक्त का मतलब प्रयोग में लेता है।
प्रयुक्त करता है वहां निजवाचक सार्वनाम होता है। निजवाचक सार्वनाम होता है, जैसे खुद, स्वयं, अपने आप, अपना आदि। इसको समझो पहले, चलो लिख लो। उदाहरण देखो इसका, मैं खुद ही खाना बना, और वैसे तो बनाते नहीं हो, वाक्य में तो बना लो कम से कम। आपकी बात ही नहीं कर रही, बनाते नहीं हो, बनाती नहीं हो, नहीं बोला, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है, नहीं बनाते, ये धारणा सी बना ली कि जहीं किसी ग्रंथ में लिखा हुआ ना कि हम नहीं बनाएंगे वैसे। तो देखो, मैं खुद ही खाना बना लूँगा। तो एक बार समझो इसको, यहाँ पर देखो क्या शब्द आया है, मैं, क्या शब्द आ गया, मैं। अब यहाँ पर ये जो मैं शब्द है वो क्या है, उत्तम पुरुष, क्या है, उत्तम पुरुष। ये तो उत्तम पुरुष हो गया, खुद ही, खुद ही। अब ये जो खुद ही है, यानी खुद यानी स्वयं, खुद यानी स्वयं। अब ये जो खुद है वो क्या है, निजवाचक। खुद क्या है, निज वाचक सर्वनाम। यानी ये जो शब्द है वो किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, खुद के लिए। किसके लिए, खुद के लिए। तो ये क्या है भैया, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम, और खुद क्या है, निज वाचक। अब अगला देख रहे हैं हम, मुझे लेने मत आना, मैं अपने आप, अपने आप आ जाऊंगा। अब मुझे ये बताओ, अपने आप क्या है, निजवाचक। अपने आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम। अपने आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम। अब बताओ ये मैं क्या है, क्या है, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम, ठीक है। अब आप मुझे बताओ इस वाक्य में, मुझे लेने मत आना, तो ये मुझे क्या है, बताओ मुझे क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है। क्या है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ऐसे ही मैं अपना खाना खुद बना लूँगा,
तो अपना क्या हो गया? खुद हो गया ना, निजवाचक हो गया। तो मैं स्वयं ही चला जाऊंगा, मैं स्वयं ही चला जाऊंगा। नहीं, वो दो तीन प्रकार से दे सकता है। सुनो, उतार लिया, कंप्लीट हो गए ना। अब इनके क्वेश्चन बनाते हैं अपन अभ्यास के लिए। जैसे मैंने कहा, इसी में से बनाते हैं। पहला, ठीक है, पहला संज्ञा, बी क्रिया, सी विशेषण, डी सर्वनाम। बताओ क्या आएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, इसी क्वेश्चन में आगे बढ़ रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर क्या है? एक। इसी क्वेश्चन में दूसरा ले रहे हैं, स्वयं खुद अपना अपने आप शब्दों में क्या है। ऑप्शन ए, पुरुषवाचक सर्वनाम। बी, सी निजवाचक सार्वनाम, और डी लिखा मैंने उत्तम पुरुष वाचक सार्वनाम। मैं जिससे पूछूं वो ही बताएगा। अगर इसी में दूसरा सवाल ये आ गया, ठीक है, स्वयं खुद अपने आप शब्दों में क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। बताओ क्या आएगा? क्या आएगा? वेरी गुड, क्या आएगा? निजवाचक। क्लियर? इस तरह से पूछ सकते हैं। अगला जो तरीका है, रमेश अपने आप गा रहा था, रमेश अपने आप गा रहा था, अपने आप रेखांकित शब्द में कौन सा सार्वनाम है? तो कौन सा है भैया? निजवाचक। कौन सा है? निजवाचक। समझ गए ना आप? तो इस तरह से घुमाकर कैसे भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन दे दें, तुम मैं है संज्ञा, सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, थोड़ा ध्यान देना, और क्रिया। तो बताओ, देखो इसमें क्या लिख रखा है, ये ऐसे ध्यान रखना, कभी यहाँ आके रुक जाओ कि ये क्या है? सर्वनाम। क्लियर? आगे बढ़ो ही नहीं। अगर ये नहीं होता ना, इसकी जगह मैं क्रिया विशेषण लिख देती तो बताओ कौन सा आता? सर्वनाम। ऑप्शन को कौन सा आ जाता? बी। कौन सा आता? क्लियर? अब देखें, हमने क्या पढ़ ली? संज्ञा। हमने क्या पढ़ लिया? सर्वनाम। अब देखो क्या पढ़ेंगे हम? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ये कौन से शब्द पढ़ रहे हैं बताओ? देखें, भूल गए या याद है?
कौन से शब्द हैं? विकारी। अब सुनो, विशेषण समझना है, क्या है? समझना। ध्यान दे भैया, फिर आप ये मत कहना कि समझ में नहीं आया, अलग बिंदु शुरू हो गया है। अगर कोई अनुपस्थित भी रहा है तो ध्यान दे, ठीक है? देखो क्या पढ़ रहे हैं, विशेषण। विशेषण क्या करता है? आप ये मत बोलो संज्ञा सर्वनाम, छोड़ो उनको। विशेषण का मतलब ही क्या है? विशेषता बताता है। विशेषण क्या बताता है? इसका एक काम है। विशेषण का क्या काम है? एक काम है, वो क्या है? विशेषता बताना। क्या बताता है ये? विशेषता बताता है। और एक होता है विशेष्य, एक तो होता है विशेषण और एक क्या होता है? विशेष्य। इन दोनों की जोड़ी है भैया, ये बिछड़ नहीं सकते एक दूसरे से, ठीक है? कौन नहीं बिछड़ सकते? विशेषण और विशेष, कभी नहीं बिछड़ेंगे, ठीक है? ये दोनों साथ साथ रहेंगे। अब देखो, आप ये बताओ मुझे, विशेषण क्या करता है, क्या बताता है? विशेषता बताता है, विशेषता बताता है। कौन बताता है? ध्यान दे, ये पेन है, सपोज डैट ये गुलाब का फूल है। क्या है? गुलाब का फूल। मैंने आपसे कहा कि ये इस प्रकार से ये क्या है? गुलाब का फूल बन गया। क्या बन गया? गुलाब का फूल बन गया। और मैंने ये कहा कि ये इसकी क्या है? पंखुड़ी। क्या है? पत्तियां हैं। तो मैंने आपसे ये कहा कि ये फूल है ना, वो कैसा है? लाल। फूल कैसा है? लाल, ठीक है। और ये पत्ती कैसी है? हरी। पत्ती कैसी है? हरी। अब सुनो, यहाँ पे ये जो फूल है लाल रंग का, तो ये इसकी विशेषता क्या है कि फूल कैसा है? लाल। तो ये जो लाल है वो क्या हो गया? विशेषण। क्या हो गया? विशेषण। जिसकी विशेषता जैसी बताई जाती है ना, तो वो तो क्या कहलाएगा? विशेषण। और जिस वस्तु की बताई जाएगी वो क्या कहलाएगा? विशेष। अब सुनो, विशेष कौन है? फूल। फूल है ये जो गुलाब का फूल है ना, वो क्या है? विशेष। क्या है? विशेष। यानी जिस वस्तु की विशेषता बताई जाती है, जिस प्राणी की विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाए वो ही क्या है? सुनो एक बार, बोर्ड सफेद है। बोर्ड कैसा है? सफेद। अब आप मुझे बताओ कैसा है बोर्ड? सफेद। तो ये सफेद तो क्या हो गया? विशेषण, ठीक है। और बोर्ड क्या हो गया? जिस वस्तु की विशेषता बताई जाए, जिस वस्तु की क्या बताई जाए, वो क्या है? विशेष्य। बाल काले हैं। बाल कैसे हैं? आप मुझे खुद बताओ, बाल तो क्या है? बाल तो क्या है? विशेष्य। इसका मतलब आपका दिमाग अभी भी यहाँ पे नहीं है। बाल क्या है? विशेष। और काला क्या है? विशेषण। काला क्या है? विशेषण। चूकना मत, ठीक। मैंने कहा राम सफेद शर्ट पहने हुए था, तो यहाँ पर राम है वो क्या है? संज्ञा। शाबास। सफेद क्या है? विशेषण। और शर्ट क्या है? विशेष। शर्ट क्या है? विशेष। समझ गए? अब धीरे इसके साथ में और समझ लो, एक तो हम विशेषण पढ़ेंगे और एक हमारी क्या बच गई? क्रिया। क्या बच गई? क्रिया। किसी कार्य को करना ही क्या कहलाता है? क्रिया। किसी कार्य को करना ही क्या कहलाता है? क्रिया। जैसे खेलना, कूदना, पढ़ना, यानी हम कुछ कर रहे हैं, जो काम करते हैं ना उसी को क्या कहते हैं? क्रिया। और काम की विशेषता जो बता दे उसको क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। जैसे राम
धीरे धीरे चलता है। तो चलना तो क्या हो गई, कैसे चल रहा है, धीरे धीरे कैसे चल रहा है। तो ये जो धीरे धीरे है वो क्या है, क्रिया विशेषण। क्या है, क्रिया, यानी क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि जो क्रिया हो रही है ना वो कैसे हो रही है, धीरे धीरे। ठीक है, अब मैंने कहा रावण, चुप रहे ना, जिससे पूछो वही बताएगा। रावण जोर जोर से मारता था। अब मारना तो क्या हो गई, मार तो रहा है, मारना क्या हो गई, कैसे। अब ये मारना क्रिया है, इसकी विशेषता कौन बता रहा है, तो यही क्या है, क्रिया विशेषण। क्या है, क्रिया विशेषण। आ गया समझ में, क्रिया विशेषण। और कोई भी काम हो रहा है वही क्या है, क्रिया। किसी भी काम का करना ही क्या है, क्रिया। अब मुझे बताओ आप, मैं जिससे पूछूं वही बताएगा, यहाँ क्रिया है क्या, क्रिया है, क्रिया विशेषण है, क्रिया विशेषण बताओ। अरे मैंने क्या कहा, हिरणी सी। तो यहाँ पर मुझे बताओ ये क्या है, क्या है ये, क्रिया, सही है, हैं, विशेषण है, विशेष्य है, क्या है ये, अलंकारों पे तो जाना ही नहीं है, बताओ, विशेष्य क्या है, यानी ये चाल है ना, इसकी विशेषता बताई गई है, किसकी विशेषता बता रहे हैं, किसकी, कैसी है, हिरणी सी। तो बताओ विशेषता किसकी बताई जा रही है, चाल की। तो ये चाल क्या है, विशेष्य, और ये क्या है, विशेषण। पहले आप विशेष्य और विशेषण तो देखो, विशेष्य और विशेष, यानी कि विशेषता जिसकी बताई जा रही है वो तो क्या है, विशेष्य, और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो विशेषण। अब देखो आप ऐसे समझो, इसको भूलो, सीधा सा है, कमल सफेद है, कमल कैसा है, सफेद। तो बताओ यहाँ पर विशेष्य कौन सा और विशेषण कौन सा है, हाँ सफेद क्या हो गया, विशेषण। देखो आप इतना सा ये देखना इसमें कि वस्तु कौन सी है या प्राणी कौन सा है। जैसे मैंने कहा कि मैं काली हूँ, मैं क्या हूँ, काली, तो मैं काली हूँ, तो काला जो शब्द है वो तो क्या बता रहा है, विशेषता, तो क्या हो गया, विशेषण, और मैं क्या हो गया, विशेष्य, मैं क्या हो गया, विशेष्य, समझ गए। जैसे मोहन ने, मोहन ने लाल जूते पहन रखे हैं, कैसे जूते, ठीक है। अब ये लाल है ना वो क्या है, विशेषण, और कौन है लाल, ये क्या है, विशेष्य, और संज्ञा कौन है, ये क्या है, संज्ञा। समझ में आ गया, विशेष्य और विशेषण। अब विशेषण कहते किसे हैं ये बताओ, जिन शब्दों की क्या बताई जाए, विशेषता, जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है उनको क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे अपनी क्लास का ही उदाहरण ले लेते हैं हम, पर्दे नीले हैं, पर्दे कैसे हैं, नीले। तो यहाँ देखो ये जो पर्दा है उसी की तो विशेषता बताई जा रही है कि पर्दा कैसा है, नीला। अब ये पर्दा तो क्या हो गया, विशेष्य, और नीला क्या हो गया, विशेषण। क्वेश्चन आ जाए लाल, काला, पीला, हरा, ये सब क्या है, संज्ञा,
सर्वनाम, क्रिया या विशेषण? क्या है? विशेषण। समझ गए? तो विशेषण की परिभाषा लिख लूँ, कल है ना अपन दोनों टॉपिक कर लेंगे, विशेषण और